बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी से छोटी सी पर ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्य का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। चार दोस्तों की कहानी। ये कहानी काफी समय पहले की है, जब एक घनी जंगल में चार दोस्त रहते थे। एक हिरन, एक कौवा, एक चचुंदर और एक कछुआ। वे हर दिन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मिलते और घंटों बातें करते थे। सभी के लिए एक दूसरे का महत्व था और सभी एक दूसरे को काफी प्यार भी करते थे। एक दिन हिरन वहां नहीं आया। इस बात पर कछुआ, कौवा और चचुंदर चिंतित हो गए। चचुंदर बोला, कौवा भाई, तुम आसमान से देखो कि हिरन कहाँ है। कौवा उड़कर जंगल में हिरन को खोजने लगा। हिरन बहुत दूर नहीं था, पर वह एक शिकारी के जाल में फंस गया था। अरे मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, कौवे ने पूछा। हिरन ने दुखी मन से बताया, मैं सावधानी से चलता हूँ, पर ये जाल अच्छे तरह छिपाया गया था। अब मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, शिकारी कभी भी आ सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं मदद लेकर आती हूँ, कौवा बोला और अपने दोस्तों के पास लौट आया। उसने ये सभी घटना अपने दोस्तों को बता दिया। कछुए, तुम यही रुको, चचुंदर बोला, मैं कौवा के साथ हिरन को छुड़ाने जाऊंगा, क्योंकि मेरे दांत बहुत मजबूत और नुकीले हैं, इसलिए मैं आसानी से वो जाल काट सकता हूँ। कौवा चचुंदर को अपनी चोंच में उठाकर हिरन के पास गया। ये देखकर हिरन बहुत खुश हुआ। वही चचुंदर ने भी जल्दी से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में हिरन आजाद हो गया। तभी झाड़ियों से आवाज आई, अच्छा तो मेरा शिकार भाग गया। ये आवाज उसी शिकारी की थी, क्योंकि कछुआ का मन नहीं माना, इसलिए वो अपने दोस्त हिरन के पास धीरे धीरे चलकर पहुंच गया था। अचानक से शिकारी भी वहां आ पहुंचा। शिकारी को देखकर हिरन भागा, कौवा उड़ा, चचुंदर जमीन पे सुरंग बनाकर छिप गया, पर बेचारा कछुआ धीमा था, इसलिए वो कहीं जा ना सका। शिकारी ने खुशी से कछुए को रस्सी से बांध लिया। हमारा दोस्त भी पकड़ा गया, कौवा दुखी हुआ। रुको, अभी एक तरकीब है, चचुंदर बोला और अपनी योजना सबको बताई। शिकारी रास्ते से गुजरते समय एक झील के पास रुका। वहां उसने देखा कि घास में एक मरा हुआ हिरन पड़ा था और कौवा उसकी आंखें नोच रहा था। शिकारी सोचा कि आज उसका भाग्य ही खुल गया है। उसने कछुए को जमीन पर रखा और मरे हुए हिरन की तरफ भागा। इसी बीच चचुंदर ने कछुए की रस्सी काट दी। भागो दोस्त, झील में कूदो, चचुंदर चिल्लाया। कछुआ अपनी जान बचाकर झील में जा पहुंचा। इधर शिकारी हिरन के पास पहुंचा ही था कि कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ गया। ये इशारा था कि कछुआ सुरक्षित है। हिरन तुरंत उठा और भागा, और जब शिकारी वापस लौटा तो कछुए को भी गायब पाया। चारों दोस्त बरगद के पेड़ के नीचे मिले। तुम सब ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद, कछुए ने कहा। हिरन मुस्कुराया और कहने लगा कि एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई कतर नहीं है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से हमेशा मुश्किलों पर जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।